और समर आप देख रहे हैं क्रिकेट यारी शो। मैं हूं मोहम्मद समर। दोस्तों हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जैसा कि आपको पता है पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन आज खेला गया और वही जैसा कि आपको हमने बताया था कि फाटा पिच के ऊपर फाटे चौके छक्के लगेंगे तो वही हुआ, लेकिन स्लो रन रेट के साथ लगे, लेकिन लगे थोड़े कोई थकी हुई बैटिंग है, फिर भी देखा गया इंग्लैंड की निस्बत काफी। आज आते साथ तो पहले इंग्लैंड के उन्होंने हैरी ब्रोक ने मारना शुरू किया, जैसे रात को छोड़ के गए थे गेयर वैसे उन्होंने सुबह स्टार्ट किया। बैन स्ट्रोक से 19 बॉलों पे 45 रन बनाए, वैसे ही वो दोनों आउट हो गए। उसके बाद जो नीचे प्लेयर थे 35-37 उन्होंने भी बनाया, तो ऐसे इंग्लैंड करता करता ऑल आउट हो गया 657 रन पे 657 पे। उसके बाद जैसे कि आपको पता पाकिस्तान की बैटिंग आई, अब ये नहीं मुझे पता कि इन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाके क्या कहा क्या सोचा होगा, अब हमने कैसे आगे मैच को लेके जाना है, इतने रन बन गया हमने स्लो खेलना है, हमने ड्रा की तरफ जाना है, हमने जीतने की तरफ जाना है, हमने तेज खेलना है, ये यही पूछेंगे हम समझ भाई थे सवाल के इन्होंने क्या सोचा होगा, तो बताएं जी क्या उन्होंने सोचा होगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा सो गाइस आप जो हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि सोचा होगा, उन्होंने यही सोचा होगा कि हम आगे भी अपना पहले दिन वाली जो है बैटिंग स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड वालों ने, तो उन्होंने T20 की तरह बल्कि T10 की तरह जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम के हवाले से, उन्होंने जो है पाकिस्तान ने क्या सोचा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके कि हम मैच को किस तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने यही सोचा होगा कि हम जो है कोशिश करेंगे ड्राई करें कि अच्छा ना खेले, बस इसको जो है टुक टुक की तरह रेड दे जाएंगे मैच को। तो आज जो पूरा मैच का जो निचोड़ देखा जाए ना, मैच जो विन नहीं होना पाकिस्तान ने, 76% है मैच ड्रा होने के। 76 आप कह रहे हैं, मैं 80% कहूँगा, 90% भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो, क्योंकि जो हालात बन गया है पाकिस्तान ने 52 ओवर खेले और 181, यही कल इंग्लैंड ने खेले थे 52 ओवर, उनका कितना स्कोर था 500। ये बस जो है हमारे ओपनर्स जो हैं वो रिकॉर्ड के चक्रों में है कि हमारे सेंचुरी हो जाए। 500 स्कोर था कल, 450 इतने रन थे कल उनके। और ये हिस्ट्री का जो है वो रिकॉर्ड लग गया हमारे पाकिस्तानियों ने, तो यही सोचा कि जो है हम बस अपनी अपनी 50 करें सेंचुरीज करें, और देखें दोनों प्लेयर्स की जो है 90-90 स्कोर हुआ है, कल इन्होंने सेंचुरीज मार देनी और आउट हो जाना है, जीत की तो जगह पक्की हो गई टेस्ट में, इन जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है। और मीर राजा साहब ने आगे कहना जी बहुत अच्छे प्लेयर है। हाँ तो आज मीर राजा साहब भी आए थे इधर अपना मीडिया बॉक्स में मीडिया से बात करने, तो मीडिया से पूछा गया मीडिया वालों ने कि जी रमीज राजा साहब ये पिचेस का वही हाल है जो स्टेडियम वाले कुंवर में हुआ था, तो रमीज राजा फिर माने उन्होंने फिर वही वही जवाब दिया कि जी हम वो बेहतर जो है सेशन में अगले गाल में जो है करेंगे कुछ का सही बेहतरीन निजाम। उन्होंने कहा कि जी देखें आपको पता है कि सिस्टम 70 साल से सिस्टम कैसा चल रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सियासत में जरा वैसा क्रिकेट में भी लगा लें कैसा सिस्टम था। हाँ मैंने ये जरूर कहा था कि पिचेस बेहतर होंगी, लेकिन मैं आपसे माजरत करता हूँ कि इतनी घटिया पिच, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये पिच इंतहाई घटिया थी, नाकस थी, इसने सबको म्यूज़ किया, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, मुझे भी दुख हुआ है, ये उनके अल्फाज थे। तो क्राउड के वाले से बात करें फैंस जो आए हुए थे रावलपिंडी के फैंस जी, पिंडी पिंडी है जी, पिंडी के फैंस तो स्टेडियम भरते हैं हर बार चाहे टेस्ट मैच हो जाए। फिर रमीज राजा साहब से और भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब के पूछे गए थे, वो उसके इंडिया के टूर के बारे में वो अगले शो में बताएंगे आपको, लेकिन पिंडी की पिच के बारे में भी उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी तो उन्होंने बुरी खबर भी दे दी है एक ओवर के, जो अगला जो टूर न्यूजीलैंड का है अगले महीने जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना, उन्होंने ये भी ये तक कह दिया कि जो उनका टूर होगा वो भी ऐसी पिचों पर ही होगा फ्लैट पिचों पर, उन्होंने जूटरी नहीं बोला, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब वो मैचेज होंगे वो ऐसी पिचों पे होंगे थक्कर पिचों पे, क्योंकि हमारे पास पिचे नहीं है। सामा भाई तो फैंस आप भी देखिए तो पाकिस्तान से फिर क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं एक हिसाब से, कोई जो भी आएगा वो तो पाकिस्तान को फिर मारेगा ये तो चौके छक्के, ये पाकिस्तान ने तो अपनी बैटिंग जो है वो टुक टुक पे लगे रहने, ये जो कल उन्होंने कहा था और आज कह, ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जिसको अपने होम एडवांटेज का फायदा नहीं होता है, होती ना हर टीम का जो होम मैचेज होते हैं अपने घर में जो मैचेज खेलती है टीम वो अपना फायदा उठाती है अपनी मर्जी की पिचेज बनवाती है, हमारी वाहिद टीम है जिसको अपने घर में मैचेज का फायदा ही नहीं हो रहा, अब हमारे घर में मैचेज हो रहे हैं हम अपनी मर्जी की पिच नहीं बना सकते, ये रमीज राजा साहब ने कहा कि हम अपनी मर्जी की पिच नहीं बना सकते, आपको पता है कि हमारी पिचें कैसी हैं, इनमें टाइम लगेगा, जो ड्रॉप इन पिचेज हम अभी उन पर काम कर रहे हैं वो बहरी जहाज के जरिए आनी है ऑस्ट्रेलिया से, तो कह रहे हैं अभी हम इंशाल्लाह
उम्मीद तो यही करें कि मैच ड्रा ना हो, तो काफी उनसे और सवाल पूछे। 76% जो चांस है मैच ड्रा ही होगा ये पहला। अच्छा फैंस जो आपको बताते चलिए कि जो मैच के हवाले से रिवीजर के साहब ने कहा कि हम जो न्यूजीलैंड का टूर जो है वो देखो ये भी अभी ऐसे ही खराब होगा, ये ऐसे ही बिल्कुल खराब होगा, काफी मायूसी है। लेकिन फिर भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि कल पाकिस्तान का तासुर दुनिया में बहुत खराब गया है कि बहुत ही बुरी पिचेस पे टेस्ट क्रिकेट कराई जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड ने तो अपना रिकॉर्ड लगाए ही लगाया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी फिर किसी से कम नहीं है। यहां से मारे किसने रिकॉर्ड लगा दिए थे बताइए? मामूला साहब ने लगा दिए रिकॉर्ड, 1000 रन बन गया टेस्ट क्रिकेट में। उधर अब्दुल्ला शफीक ठीक है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, स्टाइलिश प्लेयर है, बहुत पसंद है। रिकॉर्ड लगाया जो पूरी दुनिया को पता चल गया एक जाहिद महमूद साहब सबसे ज्यादा स्कोर खा लिया भाई, उन्होंने 33 ओवरों में 250 स्कोर खा गए हैं। जाहिद महमूद ने 112 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में रिकॉर्ड को पास कर दिया और वो रिकॉर्ड जान के हैरानी होगी, वो अच्छे वाला नहीं, वो वर्स्ट रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने क्रिकेट की हिस्ट्री का। उन्होंने डेब्यू मैच में किसी भी बॉलर ने सबसे ज्यादा रन खा लिया कल, 235 रन 33 ओवरों में, 6.5 की इकोनॉमी से इंतहाई नाकस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा। सबको मार करी लेकिन जो मोहम्मद जाहिद को बढ़िया बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कल इंग्लैंड ने मारा, उनको कहीं पे भी टिकने नहीं दिया इंग्लैंड ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था मेरा जो ख्वाब है टेस्ट मैच खेलना, तो देखिए उन्होंने अपने ख्वाब को कैसे पूरा किया है। मान सकते हैं कि पिच भी ऐसी थी, कोई मदद नहीं थी, लेकिन सामो भाई देखा जाए पिच भी तो नहीं ना खेल रही थी, वहां से इंग्लैंड के प्लेयर खेल रहे थे, तो वही है, तो आज भी पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, आज कौन पिच खेल रही थी। तो देखिए आज पाकिस्तान ने कितनी फिर अच्छी परफॉर्मेंस, 181 का टारगेट मतलब खेला इन्होंने, ये कैसी खेला मुझे बताएं। तो यही तो सोचने वाली बात है कि हमारी दफा जो है मॉर्निंग पिच बन जाती है पाकिस्तान की। ये स्लैम स्टार साहब क्या करें ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने क्या बता के भेजा कि हम ये मैच, अब मुझे कोई बता दे ना ये मैच किस तरफ जाएगा, अभी सिर्फ 2 दिन हुए 3 दिन बाकी पड़े हैं, ये मैच किस तरफ जाएगा, क्या कहा होगा उन्होंने ओपनर्स को? अभी तक कहा होगा कि भाई हमने विन की नियत से नहीं खेलना, हमने जो है मैच ड्रा की नियत से खेलना, तो देख लें ये हमारे ओपनर्स आ गए जो है आज 181 की है, कल कर लेंगे 350 कर लेंगे 400 कर लेंगे। मैच कहाँ जा रहा है, मैच का बताएं मैच कहाँ जा रहा है, मैच ड्रा होगा या इंग्लैंड विन होगा। आगे सर मीर राजा साहब कहते हैं जी हमें उम्मीद है कि अगले सीजन से पाकिस्तान में पिचेस बेहतर होंगी, हमें भी उम्मीद है लेकिन होगी कब भाई, ये पिछले जब ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ था तो सबने कहा था जी अगले सीजन से बेहतर होंगी, अगला सीजन अब आ गया इंग्लैंड का, अगले सीजन से बेहतर होंगी, अगले सीजन में हम क्या करेंगे, एशिया कप में बेहतर होंगी, ये काफी म्यूजिक की लहर है। एक स्टेडियम तो गाइस आपको बताते चले कि पिंडी स्टेडियम जो है बैन होने के करीब है, अब जो देखा जाए जो बाकी टेस्ट मैचेस हो गए अगर उनके भी ऐसी पिचेस रही तो फिर ये वो भी बैन हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो है प्रॉपर क्रिकेट बैन हो जाएगी। नहीं बताए हम फिर उम्मीद है कि बाकी स्टेडियम जो बाकी ग्राउंड है मुल्तान और कराची का उधर तो उम्मीद है कि रिजल्ट और रियलिटी मैचेस होंगे, रिजल्ट है वो मैचेस का। एक दिन पहले बताते हैं कि हमने ऐसी पिच बनाई है और जब उस पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं खेलते हैं तो फिर वो। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर आपको देते चले कि लेकिन लग यही रहा कि पिंडी स्टेडियम को बैन कर दिया जाएगा एवरेज पिच है। ICC कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री के स्टेडियम की ग्राउंड की किसी भी अगर एवरेज पिच हो उसको 3 वार्निंग देते हैं, जो अगर उसने एवरेज पिच बनाई हो 1 वार्निंग तो हमें मिल गई, दूसरी वार्निंग अब मिल जाएगी, हो सकता है दोनों कट्ठी देने जो रह गई है क्योंकि ये कुछ ज्यादा एवरेज पिच थी, तो ICC बख्शने नहीं वाला। ये इतना खूबसूरत वेन्यू जो पिंडी स्टेडियम है बहुत ही प्यारा, उनको आज ये ICC मेरे ख्याल से बैन कर देगा, जल्दी कर देगा क्योंकि पाकिस्तान क्या फायदा उठाया, पाकिस्तान अपना टुक टुक तो कर ले, मामूल हक साहब अपना ड्राइव में तो मार ले, ड्राइव ही चौके पे भी नहीं जाती, ड्राइव उनकी फील्डर के पास ही जाती है, उनकी ड्राइव चौके पे नहीं जाती, और जब फैजरी मार लेंगे कभी तो पता नहीं ये क्या गया इशारे करने लग जाएंगे, चीफ सिलेक्टर को करेंगे, अपने नाकदीन फैंस को करेंगे, मैं पर्ची नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, भाई मारी कितनी बॉलों में सेंचुरी ये भी तो बता दो, 250 बॉलों में सेंचुरी पड़ी है, मार मार के सेंचुरी हो जाती है, ये भी हमें ऐसी सेंचुरीज नहीं चाहिए, हमें सेंचुरीज चाहिए जैसे इंग्लैंड ने मारी है, जैसे उनके चार प्लेयर्स ने चारों ने सेंचुरी मारी है।
पीछे हमारी ऐसी है कि हम जो हम चाहते हैं वो हम तैयार नहीं कर सकते, हम रमीन राजा साहब के साथ हैं। अगर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो फिर हम उनके साथ हैं कि जल्दी बेहतरी आनी चाहिए इस चीज में। हम तो दुआ ही कर सकते हैं रमीन राजा के लिए कि पिच को जो है बेहतर बनाए। और भी काफी मतलब कि आज गहमा गहमी रही है क्रिकेट के जगत में, आने वाली आपको शो में खबर देंगे इंशाल्लाह के क्या खबरें निकल के सामने आने। लेकिन क्रिकेट के जो आज पिंडी टेस्ट खेला गया दूसरा दिन उसके यही खबर थी। तो क्राउड है तो खुद यानी क्राउड तो पिंडी का बहुत ज्यादा जी, क्राउड मैच ने भरपूर एंजॉय किया है बैटिंग पिच देखकर, लेकिन पाकिस्तान की थकी हुई बैटिंग ने फिर भी उन्हें मायूस ही किया होगा। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले शो में आपसे टॉप 5 क्रिकेट न्यूज ले। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब। जैसे आप प्यार दे रहे हैं ना, हम देख रहे हैं बहुत लोग प्यार दे रहे हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत लोग देख रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार देते रहे आप। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।